ये सारी बातें मैं आपके सामने जो भी है मैंने रखी हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी हरीश ने पुस्तक लिखी है, ऐसी और पुस्तक लिखने वाले तो आप लोगों में से हैं, तमाम प्रिंट मीडिया आए और किताबें आए तो बहुत अच्छा है। दूसरे विषय पर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद राजीव शुक्ला जी। इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए हरीश को बुलाने से पहले आप सभी का बहुत धन्यवाद, मंच पर जितने भी संवाददाता थे सभी का बहुत धन्यवाद, प्रोफेसर यादव, डॉक्टर जैदी यहाँ पर हैं, संजीव पालीवाल जी, सभी का बहुत धन्यवाद। हरीश, तो मेरा एक सपना पूरा हो गया पिछले 8-9 साल से, जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ तब से कुछ ना कुछ लिख रहा हूँ। मतलब सच कहूँ तो उस समय से जो लिख रहा था, आज भी मैंने जिन दिग्गजों को सुना इस पर भी एक किताब लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, मतलब आज भी मैं जाऊँगा तो कुछ ना कुछ लिखूंगा, जिन लोगों ने जो चीज़ें बताई उनको शामिल भी करूँगा। तो ये मेरे लिए वाकई बहुत बड़ा दिन है, सारे लोग आए, सारे संपादक हैं, राजीव शुक्ला जी हैं, राजदीप सर आए, प्रभु चावला जी, शाजी, और करना चाहूँगा सबको धन्यवाद भी देना चाहूँगा जो लोग यहाँ पर आए और हमारे लिए थोड़ा सा समय दिया, आगे भी ये कोशिश जारी रहे। धन्यवाद। अवार्ड मिला, यही पढ़ना था। अब ये जैसे है रोजगार की तलाश में कहानी के लिए हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार द्वारा पुरस्कृत, यही मुंबई है हंस पत्रिका द्वारा अखिल भारतीय अमृतलाल नागर पुरस्कार, चौथा कंधा कहानी के लिए कथा देश सम्मान, संवेदनहीनता कहानी के लिए कादंबरी पुरस्कार। मुझे लगता है इन सबों में सबसे जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो टेलीविजन की भाषा पुरस्कार, बड़ा पुरस्कार और कुछ नहीं हो सकता। लंच की भी व्यवस्था है तो मुझे उम्मीद है सारे लोग। बस आपकी किताब पर या इसकी भाषा को लेकर जो भी सवाल है, और आप क्या सोचते हैं कि इसकी भाषा के बारे में और आपकी किताब के बारे में? बेसिकली हिंदी न्यूज़ चैनलों में जो भाषा चल रही है उस भाषा को लेकर के जो लोगों के अंदर ये उभर रहा है कि ये भाषा ख़राब है, इस भाषा में सुधार की गुंजाइश है, या फिर जो लोग टेलीविज़न की पत्रकारिता में आते हैं उन लोगों को ध्यान में रख करके ये किताब लिखी है। इस किताब में ये कोशिश की है कि टेलीविज़न में आने से पहले वो लोग टेलीविज़न की बारीकियों को समझें, उसकी भाषा को समझें। और दूसरी चीज़ ये है कि जो पेशेवर पत्रकार हैं, जो जिनके लिए मतलब हिंदी को समझ पाना भी मुश्किल है, वो लोग भी इस किताब के ज़रिए उस भाषा को समझ सकते हैं और जो गलतियां करते हैं उसमें सुधार भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अभी इतने चैनल्स आप देख रहे हैं, किसकी भाषा या किसी पत्रकार की भाषा जो आपको लगता है कि हाँ ये टीवी की भाषा है? ये कहना, चूँकि बहुत सारे दिग्गज हैं, नाम लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिन लोगों ने काम किया है उसमें नकवी जी हैं, शाजी हैं और आशुतोष जी हैं। मुझे लगता है सिर्फ आने वाले समय के नई पीढ़ी के टेलीविज़न पत्रकारों के लिए ही नहीं, मैं समझती टेलीविज़न में और संवाद माध्यम में, समाचार माध्यम में जो लोग दोनों लोग आ गए तो आधा घंटा सर, ये पापा है हमारे आसन सो, आप पहाड़ से नहीं आसन सो बड़वाल तो ऐसा लग टीवी न्यूज़ की भाषा के बारे में ये बुक बात करती है और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्रयास है, और कम से कम ये एक ऐसी किताब होगी खासतौर से टीवी पत्रकारिता में उनके लिए एक गाइड का काम करेगी, और इस किताब में बहुत अच्छी तरह से इन्होंने
कुछ भी नहीं दिया है।
एक्सपेरिमेंट भी हो रहा था तो मेरे जहन में शुरू से ही था पिछले 8-9 साल से कि इस पर काम करना चाहिए ताकि सिलसिलेवार ढंग से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकले जिससे एक मानकता स्थापित हो बेसिकली। तो ये किताब लिखने का मकसद यही है कि जो पेशेवर पत्रकार हैं उनको हिंदी जो टेलीविज़न न्यूज चैनलों की भाषा है उसको लेकर समझ विकसित हो और जो नए लोग हैं जो नए पत्रकार बनना चाहते हैं टेलीविज़न के उन लोगों को कुछ बेसिक आइडिया मिले कि टेलीविज़न में स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है, कैसे लिखा जाता है। वहाँ जाने के बाद मतलब टेलीविज़न में आने के बाद उनको बहुत फ़र्क नहीं रहेगा, उनको पता चल जाएगा कि अच्छा ये दुनिया इसकी भाषा इसकी शैली कैसी है। ये लिखने का मकसद बिल्कुल किस तरह की चीज़ें इसमें आपने पूरा एक न्यूज़ रूम डिस्क्राइब किया जो हमें सुनने को मिल रहा था। क्या क्या इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो थोड़ा सा अगर आप फोकस कर सकें। इस किताब में हर वो बारीक से बारीक चीज़ डालने की कोशिश की है जो टेलीविज़न न्यूज़ चैनलों के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। अभी आप सुन रहे होंगे इतने बड़े दिग्गज थे, राजदीप थे, राजीव शुक्ला थे, नकवी जी थे आज तक से, तो ये तमाम लोग वही बात कह रहे थे कि बाहरी दुनिया के लोग समझ नहीं पाते उन चीज़ों को जानने का। अब बेसिकली स्लग हम लिखते हैं, टॉपिक लिखते हैं, टॉप बैंड लिखते हैं, स्क्रिप्टिंग लिखते हैं, उस स्क्रिप्टिंग की शैली क्या है, सीधी खबर परोसी जाए या फिर उसमें कोई लाइन ली जाए एडिटोरियल, तो ये फ़र्क भी हमने दिखाने की कोशिश की है। व्याकरण संबंधी चीज़ों को भी डाला है मैंने क्योंकि व्याकरण संबंधी भारी गलतियां करते हैं लोग। नियम कानून को लेकर मतलब भाषा को लेकर आपको क्या पालन करना चाहिए, क्या चीज़ें आपको बोलनी चाहिए, कैसे लिखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें डाली हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, NBA, तमाम मुद्दों को समेटने की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भाषा को लेकर, भाषा को लेकर जितनी डिटेलिंग हो सकती है वो सब हमने की है। बस ये आखिरी सवाल सर कि क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, कोई अगर ये बुक लेता है किन किन के लिए आपने ये बुक निकाली है, जर्नलिस्ट तो हैं ही बाहर के लोग भी इसको पढ़ें, क्या आप उनको बोलना चाहेंगे, क्या वो इस बुक में पाएंगे और क्या मैसेज है इस बुक के जरिए? इस बुक से बेसिकली मेरा टारगेट, सबसे पहला टारगेट ये है कि जो बच्चे पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को सबसे पहले इस किताब को पढ़ना चाहिए क्योंकि जब वो इस किताब को पढ़ लेंगे तो जब न्यूज़ रूम आएंगे या किसी न्यूज़ चैनल में आएंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी जो हम लोगों को 8-9 साल पहले हुआ करती थी। तो उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो ऐसे लोग हैं जो हिंदी के साथ बहुत आसानी से घुल मिल नहीं पाए हैं और वो हिंदी पत्रकारिता करना चाहते हैं तो उनको भी ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, उनको बहुत फ़ायदा होगा, छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी मिल पाएगी। उसमें ये कहना कि ऐसा मतलब पहली बार हुआ कि टेलीविजन की भाषा पर इस देश के तमाम न्यूज चैनलों के सारे संपादक एक साथ इकट्ठा हुए और बड़े ही सौहार्द माहौल में बातचीत हुई, मतलब ये पहली बार है, ऐसा कभी नहीं हुआ, इतने लोग साथ। राजीव जी ने किताब, हालांकि इसमें ये होता है कि एक सिग्नेचर वगैरह करवाना चाहिए था सारे गेस्ट से एक किताब पे, वो मतलब एक थोड़ा एक्टिव होकर के कोई ठीक करवाना चाहिए, यादें होती है बेसिकली, तो वो मुझे मतलब मुझे याद था लेकिन मैं किसी को बोल नहीं पाया।
कि जैसे सारे लोग होते हैं ना, सारे लोग एक साथ पास ऑन करके सारे सिग्नेचर करते हैं उस पर, कोई नहीं। तो बढ़िया लगा, सारे लोग आए सब। तो तुम्हारा फोटोग्राफी कहाँ हो रहा है? तो सामने आओगे तब ना होगा। सही चीज़ हुआ ना। अरे माँ को ले आना। अच्छा ले आ, ले आ। तो ये आज ये मतलब बात करते हुए फॉर्मल वो आ जाएगा। फोटो ले लिए? फोटोग्राफ्स एक सारे का लेना। किट्टू नहीं है? हाँ ला आजा बेटा। अरे वो कहाँ गया? वो सईद जी इधर आ जाओ बेटा, तुम शिशु इधर आ जाओ, इन लोग इधर देखो ना इधर। अरे आइए ना यार, कम 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 साक्षी आप भी आओ, आइए ना साक्षी, कम आइए ना, अरे दोस्त है आप आ जाइए, कम कम, अरे आओ जल्दी आओ हमें तो बाहर से बुलाया गया कि वाइंड अप कर रहे हैं, सब उठ रहा है, जल्दी से खा लो। लेकिन मुझे लगता है मेरे ऑफिस से लोग कम आए, बाकी आउटफिट्स हम लोग